स्टूडेंट्स, माँ रामूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का 14th चैप्टर की एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चन नंबर 13 व इससे आगे करेंगे, यानी 13, 14, 15 तीन ही क्वेश्चन बचे हैं। तो चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इससे पहले कि मैं आप लोगों को ये क्वेश्चंस कराऊँ, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें मिल सके। तो हमारे को 13th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड। हमें इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। हमारे पास ये पाँच कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं। अब मैंने सबसे पहला स्टेप क्या है, हमने इनकी इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन बनाने के सब में मैंने इक्वल का साइन डाल दिया, तो ये कंस्ट्रेंट्स से हमने इक्वेशन बना दी। तो अब ग्राफ करते हैं। ग्राफ ऑफ पहले कंस्ट्रेंट्स का एक्स प्लस थ्री वाई, तो ग्राफ ऑफ एक्स प्लस थ्री वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्स का देखते हैं स्टूडेंट्स। तो व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू टू, और वाई की वैल्यू जीरो, एक्स की वैल्यू सिक्स आएगी। पुट करेंगे हम जीरो जीरो, किस में करेंगे, इसमें, इन एक्स प्लस थ्री वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्स। तो जीरो प्लस जीरो पुट करें तो जीरो आ जाएगा, जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्स, यानी हमारे पास थ्री इंटू जीरो, यानी एक्स की वैल्यू जीरो रखो और वाई की वैल्यू, यानी जीरो प्लस थ्री इंटू जीरो, यानी जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्स। नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है हम कहेंगे। सो क्लोज्ड हाफ प्लेन नॉट कंटेन, किसको, जीरो जीरो को, जीरो जीरो। अब स्टूडेंट्स, ग्राफ ऑफ सेकेंड इनइक्वालिटी क्या है हमारे पास, एक्स माइनस थ्री वाई इज लेस देन इक्वल टू थ्री। वन एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू माइनस वन आएगा, और वाई की वैल्यू जीरो रखें तो एक्स इज इक्वल टू हमारे पास थ्री आएगा। पुट करें अगर हम जीरो जीरो, पुट जीरो जीरो इन एक्स माइनस थ्री वाई इज लेस देन इक्वल टू थ्री। तो जब जीरो जीरो पुट करेंगे तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, जीरो माइनस थ्री इंटू जीरो इज लेस देन इक्वल टू थ्री, तो जीरो इज लेस देन इक्वल टू थ्री इज ट्रू। सो हम कहेंगे सो क्लोज्ड हाफ प्लेन, क्लोज्ड हाफ प्लेन कंटेन करेगा किसको, कंटेन करेगा जीरो जीरो को। अब स्टूडेंट्स, इसका हम लोग नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट इनइक्वालिटी। तो नेक्स्ट इनइक्वालिटी हमारे पास क्या है, ग्राफ ऑफ इसका कर लिया हमने इसका, अब इसका थ्री एक्स प्लस फोर वाई इज लेस देन इक्वल टू 24। वन एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई की वैल्यू सिक्स, और वाई की वैल्यू जीरो रखें तो एक्स की वैल्यू एट। तो पुट करेंगे हम जीरो जीरो, किसमें, इन थ्री एक्स प्लस फोर वाई इज लेस देन इक्वल टू 24। तब जीरो जीरो पुट करें तो थ्री इंटू जीरो प्लस फोर इंटू जीरो इज लेस देन इक्वल टू 24। तो जीरो प्लस जीरो, जीरो इज लेस देन इक्वल टू 24 इज ट्रू। सो हम कहेंगे सो क्लोज हाफ प्लेन, क्लोज हाफ प्लेन कंटेन, कंटेन करेगा किसको, जीरो जीरो को। अब स्टूडेंट्स फोर्थ करते हैं, ग्राफ ऑफ माइनस थ्री एक्स प्लस टू वाई इज लेस देन इक्वल टू सिक्स। व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू थ्री, और वाई की वैल्यू जीरो रखें तो एक्स इज इक्वल टू आएगा माइनस टू। तो पुट करें हम जीरो जीरो, जब जीरो जीरो पुट करें किसमें, इन माइनस थ्री एक्स प्लस टू वाई इज लेस देन इक्वल टू सिक्स। तो जब जीरो जीरो पुट करें, माइनस थ्री इंटू जीरो प्लस टू इंटू जीरो इज लेस देन इक्वल टू सिक्स, तो जीरो इज लेस देन इक्वल टू सिक्स ट्रू। अगर ये ट्रू है तो हम कहेंगे सो क्लोज्ड हाफ प्लेन, क्लोज्ड हाफ प्लेन कंटेन जीरो जीरो, कंटेन जीरो जीरो। अब नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट इसका, ग्राफ ऑफ फाइव एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्स। व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू सिक्स, और वाई की वैल्यू जीरो रखें तो एक्स आ जाएगा स्टूडेंट्स सिक्स बाई फाइव। अब पुट करें, पुट जीरो जीरो इन फाइव एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्स। जब जीरो जीरो पुट करें तो फाइव इंटू जीरो प्लस जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्स। तो जीरो प्लस जीरो, जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्स इज नॉट ट्रू।
सो हम कहेंगे सो क्लोज्ड हाफ प्लेन, क्लोज्ड हाफ प्लेन, नोट कंटेन 0 0। अब ये 0 0 कंटेन नहीं करेगा। अब स्टूडेंट्स ग्राफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 मीन्स क्लोज्ड हाफ प्लेन इज राइट टू एक्स इज इक्वल टू 0, यानी एक्स वाई एक्सिस से एक्स की वैल्यू 0 वाई एक्सिस पे। स्टूडेंट हाफ प्लेन इज राइट टू एक्स इज इक्वल टू 0 एंड ग्राफ ऑफ वाई इज ग्रेटर देन 0 मीन्स क्लोज्ड हाफ प्लेन इज अबव टू, अबव किससे, वाई इज इक्वल टू 0 से। वाई की वैल्यू 0 कहाँ पे, एक्स एक्सिस से, अबव टू वाई इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स प्लॉट करते हैं पॉइंट्स को, तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस। यहाँ पे देखिए पहला एक्स की वैल्यू 0 वाई की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 0 एक्स की वैल्यू 6, एक्स की वैल्यू 0 वाई की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 0 एक्स की वैल्यू 6, ये पॉइंट ये देखिए। और नोट कंटेन है, नोट ट्रू है स्टूडेंट्स, ये देखिए नोट कंटेन 0 0, यानी इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे हमारा हम, तो हमारे पास ये स्टूडेंट्स ये लाइन बन जाएगी, ये फर्स्ट लाइन है स्टूडेंट्स। ये पेंसिल के साथ लिखना है स्टूडेंट्स आपने, और बाद में इसको इरेज करना है। तो ये नोट कंटेन है स्टूडेंट, यानी इस लाइन से ऊपर है, हमें ये पता चल गया इस लाइन से ऊपर है। 0 0 कंटेन करेंगे तो इस साइड में होगा, 0 0 की साइड, नोट कंटेन मीन्स परे, 0 0 से दूर। अब नेक्स्ट है एक्स की वैल्यू 0 वाई की वैल्यू -1, वाई की वैल्यू 0 एक्स की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू 0 वाई की वैल्यू -1, वाई की वैल्यू 0 एक्स की वैल्यू 3, तो ये पॉइंट हो गए स्टूडेंट्स। तो इन दोनों को जब हम लोग मिलाएंगे तो हमारे पास ये लाइन आ जाएगी स्टूडेंट्स, ये सेकंड लाइन है हमने कह दिया, और ये कंटेन करती है स्टूडेंट्स, ये 0 0 कंटेन करती है, देखिए कंटेन 0 0 कंटेन कर मीन्स, यानी इस लाइन से ऊपर है, यानी 0 0 की साइड है, यानी इस साइड इस लाइन से ऊपर। और एक ऐसा ये रीजन देखना है स्टूडेंट्स अब हमने, जो इससे भी ऊपर हो और इससे भी, यानी ये वाला रीजन हो गया स्टूडेंट्स जो दोनों को सेटिस्फाई करता है, यानी इससे इस साइड में इससे भी ऊपर, यानी ये 0 0 कंटेन का, 0 0 यहाँ है तो इस साइड में होगा, 0 0 की साइड मीन्स इस लाइन से भी ऊपर इससे भी ऊपर, तो ये वाला ही रीजन आया। अब थर्ड देखते हैं स्टूडेंट्स, एक्स की वैल्यू 0 वाई की वैल्यू 6, ये है एक्स की वैल्यू 0 वाई की वैल्यू 6, और वाई की वैल्यू 0 एक्स की वैल्यू 8, तो ये है पॉइंट वाई की वैल्यू 0 एक्स की वैल्यू 8, तो इन दोनों को मिलाएंगे स्टूडेंट्स हम लोग, तो ये है हमारे पास, ये थर्ड लाइन है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये थर्ड लाइन है, तो यहाँ भी लिख सकते हो ये थर्ड लाइन, ओके। और ये कंटेन करती है स्टूडेंट्स, ये कंटेन करती है 0 0, कंटेन करने का मतलब यानी इस लाइन से 0 0 की साइड, यानी इस साइड में, यानी एक ऐसा ये रीजन, इससे ऊपर इससे इस साइड में हमारे पास, देखिए इससे ऊपर इससे भी ऊपर और इससे नीचे, यानी ये वाला रीजन हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास जो सबको सेटिस्फाई करता है। अब ये भी नहीं है स्टूडेंट्स, ओके। अब फोर्थ देखते हैं, एक्स की वैल्यू 0 वाई की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 0 एक्स की वैल्यू -2, एक्स की वैल्यू 0 वाई की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 0 एक्स की वैल्यू -2, ये पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे स्टूडेंट्स ये है हमारे पास फोर्थ लाइन, फोर्थ लाइन यहाँ लिख दी। अब ये कंटेन करती है, ये फोर्थ लाइन है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये देखिए एक्स वैल्यू 0 वाई की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 0 एक्स वैल्यू, ये कंटेन करती है, नो ये भी कंटेन करती है, इसके कंटेन करेंगे तो इस, यानी 0 0 इस साइड में, इस साइड में होगा रीजन, यानी एक ऐसा रीजन जो इससे नीचे हो, इससे ऊपर हो, इससे भी ऊपर हो और इससे नीचे, यानी ये वाला रीजन हो गया जो सबको सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये हमने देख लिया स्टूडेंट्स, अब इसका देखते हैं, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 वाई की वैल्यू 6, तो ये पॉइंट हो गया, तो और वाई की वैल्यू 0 एक्स वैल्यू 6/5, 6/5 मीन्स 1.2, तो यानी 1.2 मीन्स यहाँ पे होगा पॉइंट 1.2, 6/5 है सपोज स्टूडेंट्स ये पॉइंट। तो ये हमारे पास फोर्थ थी और ये है फिफ्थ,
एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 6, वाई की वैल्यू 0, एक्स वैल्यू 6/5। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास फिफ्थ लाइन है स्टूडेंट्स ये। अब ये कंटेन करती हैं, ये देखते हैं, ये नोट ट्रू, नोट कंटेन है 0 0 को, यानी इस एक ऐसा रीजन, यानी ये 0 0 कंटेन करती तो इस साइड में होता, और एक ऐसा रीजन भी इससे परे हो, 0 0 से दूर, यानी इस साइड में, यानी एक ऐसा रीजन इस लाइन से नीचे, इससे भी नीचे, इससे ऊपर होना चाहिए, इससे भी ऊपर, और इस लाइन से इस साइड में, यानी राइट साइड में। तो ये वाला रीजन हो गया स्टूडेंट्स। अब एक्स इज ग्रेटर देन 0 मीन्स वाई एक्सिस से राइट साइड में, तो ये वाई एक्सिस, एक्स की वैल्यू 0 यहाँ पे है स्टूडेंट्स इस लाइन पे, और इससे इस साइड में, तो ये इससे इसी साइड में है। और वाई इज ग्रेटर देन 0 मीन्स ये वाई की वैल्यू 0 है यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, और इससे ग्रेटर देन ऊपर की ओर, तो ये वाला रीजन, यानी ये इससे वाई एक्सिस से क्या है, ऊपर की ओर है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आया, ये है शेडिड रीजन इज रिक्वायर्ड रीजन। तो ये है हमारे पास स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड रीजन। इसका ए बी सी, ये हो गया डी, और ये हो गया ई। तो ए बी सी डी ई, सो ए बी सी डी, ए बी सी डी ई ए इज फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन एंड इज बाउंडेड, और ये बाउंडेड है, चारों तरफ से घिरा हुआ है स्टूडेंट्स। अब इसके ए बी सी डी क्या है, कॉर्नर पॉइंट हेयर ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई आर, कॉर्नर पॉइंट इस रीजन के क्या है, कॉर्नर पॉइंट है, कॉर्नर पॉइंट्स। अब देखिए स्टूडेंट, हमने कोऑर्डिनेट ऑफ ए निकालना है, फोर कोऑर्डिनेट ऑफ ए, हम किसको सोल्व करेंगे, सोल्व करेंगे हम किसको, ये कौन सी लाइन है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये हमारे पास फिफ्थ लाइन, और ये वाली कौन सी लाइन है स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास, ये वाली जो लाइन है हमारे पास, ये है फर्स्ट लाइन, फर्स्ट और फिफ्थ को सोल्व करें फर्स्ट एंड फिफ्थ। अब फर्स्ट क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये है एक्स प्लस 3 वाई इजिकल टू 6, एक्स प्लस 3 वाई इज इक्वल टू 6, और थर्ड क्या है, फर्स्ट और ये कौन सी है, फर्स्ट और ये है हमारे पास फिफ्थ, तो फिफ्थ है हमारे पास 5x + y इज इक्वल टू 5, तो ये है 5x + y इज इक्वल टू 5, ये फिफ्थ है। तो इसके आगे वन है स्टूडेंट्स, 1 और 3 को हमने दोबारा लिख दिया, 1, 3, और 5 और ये इसके आगे 1 है, तो 5 और 1 को यहाँ लिख दिया। तो स्टूडेंट्स एक्स अपॉन लिखना है, तो एक्स वाले को कवर करें, तो 3 5 जा, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई 3 5 जा 15, माइनस 1 की यहाँ 1 6 जा 6, और वाई अपॉन लिखना है, तो वाई वाले को कवर करें, तो 6 5 जा 30, और 5 1 जा 5, और हमारे पास माइनस 1 अपॉन लिखना है, तो 1 1 जा 1, 3 5 जा 15। तो ये आया स्टूडेंट एक्स अपॉन 9, वाई अपॉन 25, और -1 अपॉन -14, तो इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास एक्स आ जाएगा 9 को ऊपर मल्टीप्लाई 9/14, और वाई आ जाएगा स्टूडेंट्स 25/14। तो ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास ए पॉइंट, ए क्या आया 9/14, 25/14। अब हमें कोऑर्डिनेट ऑफ बी निकालने हैं स्टूडेंट, ये बी है, बी किसका इंटरसेक्शन है, ये है फोर्थ लाइन, ये बी, और ये कौन सी लाइन है स्टूडेंट्स, फिफ्थ, फोर्थ और फिफ्थ का इंटरसेक्शन। तो फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ बी, फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ बी, हम किसको सोल्व करें, सोल्व करेंगे हम कौन कौन सी लाइन को स्टूडेंट्स, ये कौन कौन सी लाइन है, ये फोर्थ है और ये है फिफ्थ, फोर्थ एंड फिफ्थ सोल्व करें, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब फोर्थ लाइन क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, फोर्थ लाइन है हमारे पास देखिए -3x + 2y = 6, -3x + 2y = 6, तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये देखिए ये फोर्थ है, और फिफ्थ है 5x + y = 5, 5x + y = 5।
तो स्टूडेंट्स यहाँ से फिर इसको सोल्व करते हैं, इसके आगे वन है, माइनस थ्री और टू को दोबारा लिख दे और फाइव और वन को यहाँ पे लिख लिया। बाद में इसको इरेजर के साथ इरेज कर दें स्टूडेंट्स, आपने पेंसिल के साथ लिखने हैं ये। मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सोल्व कर रहा हूँ स्टूडेंट। तो एक्स अपॉन कैसे करोगे, तो एक्स वाले को कवर करो, टू फाइव जा टेन, माइनस वन की साइड में सिक्स, और वाई अपॉन लिखना है, आपकी मर्जी है स्टूडेंट्स, चाहे आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, लेकिन मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ईजिएस्ट मेथड रखता है और इससे डायरेक्ट निकल जाती है हमारे पास वैल्यू। तो वाई अपॉन निकालना है, तो सिक्स फाइव जा थर्टी, माइनस फाइव थ्री जा फिफ्टीन, माइनस का फिफ्टीन तो प्लस का फिफ्टीन, और माइनस वन अपॉन लिखना है, तो माइनस का थ्री, माइनस फाइव टू जा टेन। तो एक्स अपॉन फोर आया, वाई अपॉन फोर्टी फाइव और माइनस वन अपॉन माइनस थर्टीन, तो इससे ये कैंसिल, तो एक्स आ जाएगा स्टूडेंट्स फोर ऊपर मल्टीप्लाई फोर अपॉन थर्टीन, और वाई आ जाएगा फोर्टी फाइव ऊपर मल्टीप्लाई फोर्टी फाइव अपॉन थर्टीन। सो बी आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास फोर अपॉन थर्टीन कोमा फोर्टी फाइव अपॉन थर्टीन। अब फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ सी, फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ सी, अब सी के कोऑर्डिनेट निकालते हैं स्टूडेंट्स। सी क्या है हमारे पास, सी देखिए यहाँ पे मैंने ये क्यों लिखा था फोर, ये लाइंस के नाम क्यों दिए। अब सी किसके इंटरसेक्शन है, ये तो फोर्थ लाइन है स्टूडेंट्स, और ये लाइन है थर्ड, फोर्थ और थर्ड को सोल्व करेंगे, फोर कोऑर्डिनेट ऑफ सी सोल्व करेंगे हम थर्ड एंड फोर्थ। अब थर्ड लाइन क्या है स्टूडेंट्स मेरे पास, थर्ड है ये देखिए थ्री एक्स प्लस फोर वाई इजिकल टू ट्वेंटी फोर, थ्री एक्स प्लस फोर वाई इजिकल टू ट्वेंटी फोर, और थर्ड हो गई हमारे पास। अब फोर्थ क्या है स्टूडेंट्स, फोर्थ है हमारे पास माइनस थ्री एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू सिक्स। तो स्टूडेंट्स एलिमिनेशन मेथड से ही सोल्व कर सकते, लेकिन मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, थ्री और फोर को मैंने दोबारा लिख लिया और माइनस थ्री और टू को फिर दोबारा लिख लिया, इसको बाद में इरेज करना है, दोबारा बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो एक्स अपॉन करना है, तो एक्स वाले को कवर करें, फोर सिक्स जा फोर की, यहाँ फोर सिक्स जा ट्वेंटी फोर, माइनस ट्वेंटी फोर टू जा फोर्टी एट, और वाई वा अपॉन लिखना है, वाई वाले को कवर करो, ट्वेंटी फोर थ्री जा सेवेंटी टू माइनस का, माइनस सिक्स थ्री जा एटीन, और माइनस वन अपॉन लिखना है, थ्री टू जा सिक्स, माइनस थ्री फोर जा ट्वेल्व, माइनस का ट्वेल्व और माइनस प्लस का ट्वेल्व। तो एक्स अपॉन माइनस ट्वेंटी फोर, वाई अपॉन हमारे पास माइनस नाइन्टी और माइनस वन अपॉन एटीन। तो एक्स आ जाएगा स्टूडेंट्स माइनस ट्वेंटी फोर को ऊपर मल्टीप्लाई ट्वेंटी फोर अपॉन एटीन, और वाई आ जाएगा माइनस नाइन्टी के ऊपर, तो नाइन्टी अपॉन एटीन, तो सिक्स थ्री जा सिक्स फोर जा, और एटीन वन जा एटीन फाइव जा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास सी पॉइंट आया फोर बाय थ्री कोमा फाइव। अब फोर कोऑर्डिनेट ऑफ डी, फोर कोऑर्डिनेट ऑफ डी किसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स, सोल्व करेंगे हम लोग, देखते हैं ये डी कोऑर्डिनेट है, डी किसका इंटरसेक्शन है, ये वाली लाइन है हमारे पास सेकंड, और ये वाली लाइन है, ये जो लाइन है ये कौन सी है स्टूडेंट्स, ये वाली लाइन है हमारे पास थर्ड, सेकंड और थर्ड को सोल्व करेंगे हम सेकंड एंड थर्ड। अब सेकंड क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, सेकंड है ये देखिए एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू थ्री, और थर्ड है थ्री एक्स प्लस फोर वाई इज ट्वेंटी फोर, एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू थ्री, और थ्री एक्स माइनस प्लस फोर वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर। तो वन और माइनस थ्री को दोबारा लिखेंगे स्टूडेंट्स, और ये थ्री और फोर को दोबारा, तो एक्स अपॉन लिखना है, तो एक्स वाले को कवर करें, थ्री ट्वेंटी फोर थ्री जा माइनस सेवेंटी टू, माइनस फोर थ्री जा ट्वेल्व, और वाई अपॉन लिखना है स्टूडेंट्स, तो थ्री थ्री जा नाइन माइनस ट्वेंटी फोर, और माइनस वन अपॉन लिखना है, फोर माइनस थ्री थ्री या नाइन, माइनस का नाइन तो प्लस का नाइन। तो ये आया स्टूडेंट्स एक्स अपॉन माइनस का एटी फोर, वाई अपॉन ये आ गया माइनस का फिफ्टीन, और माइनस वन अपॉन थर्टीन। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आएगा देखिए ट्वेंटी एटी फोर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस का एटी फोर बाई थ्री, तो एक्स आ जाएगा एट्टी फोर बाई थ्री, और वाई माइनस फिफ्टीन को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो y आएगा माइनस प्लस का 15 हो जाएगा अपॉन 13, ये 13 है स्टूडेंट्स 13। सो d आया हमारे पास चौरासी बटे तेरह कोमा पंद्रह बटे तेरह। अब फोर कोऑर्डिनेट ऑफ ही, फोर कोऑर्डिनेट
ऑफ ई। अब ई के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, हम किस किस को सोल्व करेंगे देखते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारे पास ई है, तो ये कौन सी लाइन है, ये फर्स्ट है, और ये कौन सी लाइन है, ये सेकंड। सोल्व करें फर्स्ट एंड सेकंड, फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ ई सोल्व फर्स्ट एंड सेकंड। अब फर्स्ट क्या है स्टूडेंट्स देखते हैं, इसकी इक्वेशन है एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स, और सेकंड है एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू थ्री। तो स्टूडेंट्स ये आया हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सोल्व कर रहे हैं, तो वन और थ्री को मैंने दोबारा, और यहाँ पे वन और माइनस थ्री को दोबारा, ये वन माइनस थ्री इसके आगे, तो एक्स अपॉन लिखना है, तो एक्स वाले को कवर करें, थ्री थ्री जा नाइन माइनस थ्री सिक्स या एटीन, माइनस का एटीन तो प्लस का एटीन, और वाई अपॉन लिखना है स्टूडेंट्स, सिक्स की यहाँ मल्टीप्लाई सिक्स माइनस थ्री, और माइनस वन अपॉन लिखना है, तो ये माइनस थ्री माइनस थ्री, तो ये आया स्टूडेंट्स ट्वेंटी सेवन वाई अपॉन थ्री और माइनस वन अपॉन माइनस सिक्स, तो इससे एक आंसर। तो एक्स आएगा स्टूडेंट ट्वेंटी सेवन को ऊपर मल्टीप्लाई ट्वेंटी सेवन अपॉन सिक्स, और वाई आएगा थ्री अपॉन सिक्स, ये वन बाई टू, और ये थ्री टू जा और थ्री नाइन जा, तो ये आया ई पॉइंट, ई क्या आया हमारे पास नाइन बाई टू कोमा वन बाई टू। अब जेड क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास जेड है टू एक्स प्लस वाई। अब जेड निकालते हैं सभी पॉइंट से, जेड ऑन ए, ए कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास नाइन बाई फोर्टीन और ट्वेंटी फाइव बाई फोर्टीन, तो जेड की वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स यहाँ से, जेड आएगा एक्स की वैल्यू नाइन बाई फोर्टीन, टू इंटू नाइन बाई फोर्टीन प्लस ट्वेंटी फाइव बाई फोर्टीन, तो नौ दूनी अठारह और पच्चीस, पच्चीस और अठारह तिरतालीस अपॉन चौदह। और जेड ऑन बी, बी है स्टूडेंट्स हमारे पास चार बटे तेरह और पैंतालीस बटे तेरह, तो यहाँ से जेड आएगा एक्स वैल्यू चार बटे तेरह, टू इंटू फोर बाई थर्टीन प्लस फोर्टी फाइव बाई थर्टीन, तो चार दूनी आठ और पैंतालीस या आए तिरपन बटे तेरह। अब जेड ऑन सी, सी आया है स्टूडेंट्स फोर बाई थ्री प्लस कोमा फाइव, तो जेड आएगा फोर बाई थ्री रखें एक्स की वैल्यू, टू इंटू फोर बाई थ्री प्लस फाइव, तो स्टूडेंट्स इसका यहां से एलसीएम आ जाएगा हमारे पास थ्री एलसीएम, तो चार दूनी आठ प्लस पाँच ते पंद्रह तेईस बटे तीन आया स्टूडेंट्स। अब जेड ऑन डी निकालते हैं, डी क्या है हमारे पास चौरासी बटे तेरह कोमा पंद्रह बटे तेरह, तो ये आएगा स्टूडेंट जेड आएगा एक्स वैल्यू चौरासी रखें, टू इंटू एटी फोर बाई थर्टीन प्लस पंद्रह बटे तेरह, तो ये चौरासी दूनी आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे आया हमारे पास चौरासी दूनी आ जाएगा एक सौ अड़सठ बटे तेरह प्लस पंद्रह बटे तेरह, तो ये आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास जेड आया हमारे पास जेड इज इक्वल टू एक सौ अड़सठ और पंद्रह, यह आ जाएगा एक सौ तिरासी बटे तेरह। और जेड ऑन ई, ई क्या है हमारे पास नाइन बाई टू एंड वन बाई टू, तो यहाँ से स्टूडेंट्स जेड आया एक्स वैल्यू नाइन बाई टू, टू इंटू नाइन बाई टू प्लस वन बाई टू, तो नौ दूनी अठारह प्लस एक उन्नीस बटे दो आया। अब स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या है, देखिए ये वैल्यू है हमारे पास चौदह अठाई चौथिया बयालीस, थ्री पॉइंट जीरो वन बचे और चौदह छः चौरासी चौदह सत्तर अठानवे, थ्री पॉइंट जीरो सेवन है ये, तेरह दूनी छब्बीस तेरह तीन उनतालीस तेरह चौक बावन, फोर पॉइंट ये है वन बच जाएगा नहीं जिया जाएगा, फिर हमारे पास हंड्रेड बन जाएगा तेरह छः तेरह सत्तर इक्यानवे फोर पॉइंट जीरो सेवन, और तेईस बटे दो का मतलब है स्टूडेंट्स तेईस बटे तीन का तीन सत्तर इक्कीस सेवन पॉइंट टू बच गया तो सिक्स सेवन पॉइंट सिक्स, और वन एटी अपॉन थर्टीन का मतलब थर्टीन वन जा थर्टीन तो बच गया पाँच, थर्टीन फोर जा फिफ्टी टू, फिर जीरो सेवन फोर्टीन पॉइंट जीरो सेवन, और ये उन्नीस बटे दो का मतलब दोनों में अठारह नाइन पॉइंट वन बच गया फाइव। अब स्टूडेंट सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू है तीन पॉइंट जीरो सात, तो ये है हमारे पास सो जेड इज मिनिमाइज ऑन एक्स इज इक्वल टू नौ बटे चौदह और वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव बाई फोर तीन फोर्टीन है स्टूडेंट्स ये नौ बटे चौदह और पच्चीस बटे चौदह, तो सो जेड इज मिनिमाइज ऑन एक्स इज इक्वल टू नाइन बाई फोर्टीन एंड वाई इज इक्वल टू
25/14, और मिनिमम जेड कितना आया, मिनिमम जेड आया स्टूडेंट्स हमारे पास 43/14, और स्टूडेंट्स मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, सबसे ज़्यादा वैल्यू है 14.07, यानी ये है 84/13 पर, 15/13 पे। सो एंड जेड इज मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज कहाँ पे, ऑन एक्स इज इक्वल टू 84/13 एंड वाई इज इक्वल टू 15/13, एंड मैक्सिमम जेड कितना आया स्टूडेंट्स, मैक्सिमम जेड आया हमारे पास, ये आया 183, मैक्सिमम जेड इज इक्वल टू 183/13। सो स्टूडेंट्स ये था हमारा 13th क्वेश्चन। अब 14th क्वेश्चन देखते हैं, 14th क्वेश्चन क्या कहते हैं देखते हैं। तो 14th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हमने मैक्सिमाइज करना है, ये मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 3x+3y, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, हमें ये कंस्ट्रेंट्स गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लीनियर कंस्ट्रेंट्स को हम लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन हमने बना ली, इक्वल के साइन डाल दिए इनइक्वालिटी के साइन की जगह। अब करते हैं ग्राफ, ग्राफ ऑफ एक्स माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 1। तो व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 वाई आएगा हमारे पास -1, एंड वाई इज इक्वल टू 0 एक्स आएगा स्टूडेंट्स 1। तो पुट करेंगे हम, पुट 0 0 इन एक्स माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 1। तो जब 0 0 पुट करेंगे तो 0 -0 इज लेस देन इक्वल टू 1, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 1 इज ट्रू। अगर ये बात सही है तो हम कहेंगे सो क्लोज्ड हाफ प्लेन, क्लोज्ड हाफ प्लेन कंटेन 0 0, कंटेन 0 0। अब ग्राफ करते हैं सेकंड का, ग्राफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 वाई आएगा 3, और वाई की वैल्यू 0 रखेंगे तो एक्स आएगा हमारे पास 3। सो पुट करें अगर हम 0 0, पुट 0 0 इन एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो 0 + 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इज नॉट ट्रू, ये बात सही नहीं है, 0 3 से बड़ा नहीं है। सो हम लिखेंगे सो क्लोज्ड हाफ प्लेन नॉट कंटेन 0 0। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट है ग्राफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये कहेंगे क्लोज्ड हाफ प्लेन इज राइट साइड, राइट टू वाई एक्सिस राइट साइड में, और ग्राफ ऑफ वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स क्लोज हाफ प्लेन इज अबोव, अबोव होगा किससे, वाई इज इक्वल टू 0, वाई के लिए 0 कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे, अबोव टू वाई इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स इसका ग्राफिकली प्लॉट करते हैं, जब एक्स की वैल्यू 0 वाई की वैल्यू -1 देखिए, और वाई की वैल्यू 0 एक्स की वैल्यू 1, एक्स वैल्यू 0 वाई की वैल्यू -1 नीचे, और वाई की वैल्यू 0 एक्स की वैल्यू 1। तो स्टूडेंट्स जब इसको ग्राफिकली हम ड्रॉ करते हैं लाइन को, तो ये आएगी हमारे पास लाइन, ये कंटेन करती है, ये ट्रू है तो कंटेन करते हैं, यानी हमें ये पता चल गया इस लाइन से ऊपर वाला एरिया है, रीजन है। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड है एक्स की वैल्यू 0 वाई की वैल्यू 3, ये देखिए सेकंड एक्स की वैल्यू 0 वाई की वैल्यू 3, और वाई की वैल्यू 0 एक्स वैल्यू हमारे पास, वाई की वैल्यू 0 एक्स की वैल्यू 3, तो वाई की वैल्यू 0 एक्स की वैल्यू 3। अब स्टूडेंट्स ये आया है हमारे पास, ये आया है, अब ये कंटेन करती हैं, ये कहते हैं नॉट ट्रू, तो नॉट कंटेन, यानी ये कंटेन नहीं करते हैं 0 0 से परे, तो 0 0 से परे इस साइड में हो गया स्टूडेंट, यानी एक ऐसा एरिया जो इस लाइन से इस साइड में हो, यानी और इस लाइन से परे हो, ये हो गया स्टूडेंट्स, यानी ये भी नहीं है, ये क्रॉस कर दे, बाद में इसको इरेज कर देना स्टूडेंट आपने पेंसिल के साथ। अब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, यानी हमारे पास राइट साइड में है, तो राइट साइड में है हमारे पास एरिया, तो ये हमारे पास राइट साइड में इस लाइन से, यानी वाई एक्स की वैल्यू 0 यहाँ पे है, इससे राइट साइड में है हमारे पास, और वाई इज ग्रेटर देन 0 मीन्स यानी इस लाइन से ऊपर, तो ये इस लाइन से ऊपर है।
अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये हमारा रीजन आया है, ये कौन सा है? अनबाउंड रीजन। हम देख रहे हैं जो फिजिबल रीजन है वो क्या है? अनबाउंडेड। हेयर फिजिबल यानी जो शेडिड रीजन है, शेडिड रीजन इज फिजिबल रीजन, ये फिजिबल रीजन है, एंड इज अनबाउंडेड। जो अनबाउंडेड है स्टूडेंट्स ये ऊपर से घिरा हुआ नहीं है। जो अनबाउंडेड रीजन है स्टूडेंट्स उसकी हम मिनिमम वैल्यू तो निकाल सकते हैं, मिनिमम वैल्यू या तो यहाँ पे आएगी वो या यहाँ पे आएगी, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू कैन नॉट बी फाइंड, क्योंकि मैक्सिमम तो ये पता बहुत सारे पॉइंट्स पे हो सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे हो सकता है, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है ये रीजन। सो वी कैन नॉट फाउंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड एज इट इज इनफाइनाइट। ये क्या है? इनफाइनाइट है, बट मिनिमम वैल्यू हम बता सकते हैं। अगर वो मिनिमम पूछता तो हम इन दो पॉइंट्स पे हम इसकी मिनिमम वैल्यू बता सकते थे, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू हम बता नहीं सकते, क्योंकि ये रीजन कौन सा है? अनबाउंडेड रीजन। सिर्फ आपने ये रीजन देना है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स इसका 15th क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। उसने कहा है मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू 3x + 2y, हमने इसको मिनिमाइज करना है, ये हमें कंस्ट्रेंट्स गिवन है। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रेंट्स को क्या करेंगे? लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। लीनियर कंस्ट्रेंट है तो लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन बनाने के लिए मैंने इक्वल का साइन डाल दिया स्टूडेंट्स, सबके इनइक्वालिटी का साइन हटा दिया। तो अब ग्राफ करते हैं, ग्राफ ऑफ x + y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो वैन x इज इक्वल टू 0 रखेंगे हम लोग तो y की वैल्यू आएगी 8, और y इज इक्वल टू 0 रखें तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास 8। अगर पुट करें हम 0 0, पुट 0 0 इन x + y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो यहाँ पे आएगा 0 + 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो 0 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 8 इज नॉट ट्रू, तो ये बात सही नहीं है। तो हम कहेंगे सो क्लोज्ड हाफ प्लेन, क्लोज्ड हाफ प्लेन नॉट कंटेन किसको? 0 0 को। अब सेकंड करते हैं स्टूडेंट, ग्राफ ऑफ 3x + 5y इज लेस देन इक्वल टू 15। व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 3, और y की वैल्यू 0 रखें तो x आ जाएगा हमारे पास, y की वैल्यू 0 तो x आएगा 5। सो पुट करते हैं हम 0 0, पुट 0 0 इन 3x + 5y इज लेस देन इक्वल टू 15। सो जब 0 0 पुट करें तो 3 × 0 + 5 × 0 इज लेस देन इक्वल टू 15। तो ये 0 आया, 0 इज लेस देन इक्वल टू 15 इज नॉट ट्रू, इज ट्रू, क्योंकि 0 15 से छोटा है, तो ये बात सही है। सो हम कहेंगे सो क्लोज हाफ प्लेन कंटेन किसको? 0 0 को। अब नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स, ग्राफ ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स क्लोज्ड हाफ प्लेन हम कहेंगे y एक्सिस से राइट साइड में, यानी x की वैल्यू 0 y एक्सिस पे होती है, तो y एक्सिस का नाम है x इज इक्वल टू 0। तो क्लोज हाफ प्लेन इज राइट टू x इज इक्वल टू 0, और ग्राफ ऑफ y इज ग्रेटर देन 0 मीन्स क्लोज हाफ प्लेन इज अबोव 2y इज इक्वल टू 0। अब ग्राफिकली प्लॉट करते हैं स्टूडेंट्स, ये x एक्सिस है हमारे पास और ये है y एक्सिस। तो पहला देखते हैं x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 8, y की वैल्यू 0 x की वैल्यू 8, और ये कंटेन नहीं करता 0 0 को, नॉट ट्रू है तो नॉट कंटेन। तो x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 8, y की वैल्यू 0 x की वैल्यू 8। अब स्टूडेंट्स जब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिलाएंगे हमारे पास ये लाइन आएगी, और ये कंटेन नहीं करती, यानी 0 0 कंटेन नहीं करती, इट मींस इस लाइन से ऊपर वाला होगा रीजन। तो यानी इस लाइन से इस साइड वाला रीजन है, तो हम ये बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। और सेकंड लाइन देखते हैं, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0 x की वैल्यू 5, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 3 यहाँ पे,
वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 5, तो ये कंटेन करती है स्टूडेंट्स लाइन, देखिए कंटेन करती है नहीं, ये नोट इज ट्रू तो कंटेन करती है 0, 0 को, तो कंटेन करने का मतलब इस लाइन से नीचे की ओर है रीजन हमारे पास। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने देखा नेक्स्ट है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स वैल्यू 0 से बड़ी मीन्स इस जो वाई एक्स है इससे इस साइड वाला एरिया है यानी इस साइड वाला, और y इज ग्रेटर देन 0 मीन्स इससे ऊपर वाला। यानी देखिए स्टूडेंट्स, ये तो एक तो ये रीजन आया, एक ये रीजन आया, तो ये तो फिजिबल रीजन बना नहीं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये ना कोई भी ऐसा रीजन नहीं है जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे। सो हम कहेंगे सो देयर इज नो फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन हेयर, हेयर देयर इज नो फिजिबल रीजन, सो वी कैन नॉट फाइंड फाउंड इट्स मिनिमम वैल्यू। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी एक्सरसाइज 14.2। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई है। अगर आपको समझ आई है तो आप सभी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरी उन सभी बच्चों से एक बार फिर रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिल सके। थैंक यू वेरी मच। Thank you.